निवेश आज इस धाम पर श्री श्री 108 सच्चिदानंद महाराज जी के सानिध्य में इस विशाल सामूहिक सम्मेलन में राजस्थान के लोकप्रिय जननेता संघर्ष के प्रणेता डॉक्टर करोड़ीलाल जी मीणा साहब, इस सम्मेलन के आयोजक केसी मीणा जी, कन्हैयालाल मीणा जी, बलराम मीणा जी, लोड़ीलाल जी मीणा जी, शैतान जी मीणा जी और सभी अतिथिगण, समाज के सभी भाइयों और बहनों, मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आदिवासी मीणा समाज ने लगातार 8 वर्षों से इस सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से एक नई सामाजिक चेतना पैदा की है। ये दूर दराज का इलाका जहां पर हमारे मीणा समाज के लोग रहते हैं, कड़ी मेहनत और जीवन के अंदर बहुत संघर्ष में होते हैं। अभी मैं 1 मई को दिल्ली में जब हमारे रेलवे स्टेशन के सहायकों से मिला तो वहां भी मीणा समाज के बहुत सारे सहायक थे और पीढ़ी दर पीढ़ी वह काम कर रहे थे। कोई हिंडोन का था, कोई दोसा का था, कोई सवाई माधोपुर का था, कोई लालसोट का था। मीणा समाज कड़ी मेहनत कर चाहे किसान हो, मजदूर हो, और जिस जिस तरीके से सामाजिक परिवर्तन हुआ, आज भारत में प्रशासनिक सेवाओं से लेकर तमाम सेवाओं के अंदर अपना सहयोग समाज को दे रहे हैं। और इसी प्रणेता के रूप में समाज में सामूहिक परिवर्तन की आवश्यकता है। समाज में सामूहिक कुर्तियों को समाप्त करने का अब समय आ गया है कि हम सामूहिक पढ़ने हैं, समारोह आयोजित करें जिससे गरीब से गरीब का बेटा और बेटी और बड़े से बड़ा का गरीब और बेटे से बेटी भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी विवाह कर हम नई सामाजिक प्रणेता की अलग जगाएं। आज इसकी वर्तमान में आवश्यकता है। अगर हम हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, संस्कार देना चाहते हैं, उच्च शिक्षा देना चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन करना पड़ेगा। और सामाजिक परिवर्तन में यह सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करना और जो धन की बचत हो वो धन की बचत को अपनी बेटी और बेटी को पढ़ाकर देश और प्रदेश में नेतृत्व करे, ये सक्षम बनाना समाज की जिम्मेदारी है। जब संपूर्ण समाज इस तरीके का काम करना पड़ेगा करेगा, सामाजिक तरीके से नया परिवर्तन करेगा और किस तरीके से हम धन को भी बचाएं और एक सामूहिक संस्कृति को भी पैदा करें। हमारी संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति है। आज भी हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी लोग साथ साथ रहते हैं, तो सामूहिक विवाह सम्मेलन क्यों नहीं एक छत के नीचे हो, जहां संपूर्ण समाज हो और संपूर्ण समाज वर वधु को आशीर्वाद दे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और मैं विशेष रूप से आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने ये 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया है। आगे और इसी तरीके से सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होते रहे और समाज को भी प्रेरणा मिले। और जिस राजस्थान के जिस इलाके के अंदर सामूहिक विवाह सम्मेलन नहीं होते, वह भी अच्छी परंपराओं को यहां से लेकर जाए ताकि धन की बचत हो
और सामूहिक रूप से एक छत के नीचे सारा समाज इकट्ठा होकर वर वधु को आशीर्वाद दो। मेरी तरफ से वर वधु को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके माता पिता को विशेष रूप से शुभकामनाएं कि उन्हें अपने बेटी और बेटे की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में आयोजित करने की निर्णय किया। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।